नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतगणना के नतीजे और रुझान लगभग लगभग स्पष्ट हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, पशुपालन मंत्री हैं, बुरहानपुर का इनके पास प्रभार था। बुरहानपुर में सबसे पहले बीजेपी ने जीत हासिल की। पटेल साहब, बुरहानपुर की जीत को किस तरह से लिया? देखो, बुरहानपुर की जीत, जनता की जीत माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मेहनत से, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह चौहान लगातार तीसरी चौथी बार बुरहानपुर हर कार्यक्रम में जाकर जनता को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। और मतलब उनका प्यार, प्रेम और जनता की सेवा उसी की देन है कि वह बुरहानपुर की सीट आज हम लोग जीते हैं। अंतर बहुत कम रहा है। देखो, अंतर क्या है, जीत हार तो होती है, अंतर से कोई मतलब, पर जीत तो जीत होती है। वहाँ पर जिला पंचायत की सीटें भी हम लोगों भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। वहाँ 10 के 10 सीटें जिला पंचायत की जीती है, और जनपद की जो दो जगह जनपद है वो सीट भी हम लोगों ने दोनों जनपद भी जीती है। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की है। दूसरी बात, अभी अभी हमारे देश की राष्ट्रपति, हमारे समाज की महिला को बनाया है, इसलिए भी जनता में बहुत खुशी का लहर इस प्रदेश में हमको देखने को मिला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में बहुत अंतर है। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव आता है तो एक ही नारा लगाती थी कि ये भारतीय जनता पार्टी वानिया बामन की पार्टी है, पर वानिया बामन की पार्टी नहीं है, ये गरीब लोगों की पार्टी है। देश की सेवा करने वाली पार्टी माननीय शिवराज सिंह चौहान की है, माननीय हमारे संगठन प्रदेश अध्यक्ष जी की है, सबके हमारे छोटे छोटे मंडल तक कार्यकर्ताओं की जीत है। पटेल साहब, मालवा निमाड़ में क्या रिजल्ट, क्या कहता है अभी तक की जो स्थिति है, क्या बताती है? देखो, मालवा निमाड़ में पिछली बार क्या हुआ था, कांग्रेस की सरकार बनने के लिए 2 लाख के वादे किए और 2 लाख रुपए देंगे जनता में, मतलब उसका प्रभाव गिरा। और बुरहानपुर से लगाकर अलीराजपुर तक के आदिवासी सभी सीटें कांग्रेस जीत गई। और थोड़े दिन बाद, 15-16 महीने बाद, उसी के कांग्रेस के लोग भड़क, उन्हीं लोगों ने सरकार गिराकर फिर से मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई है। फिर से माननीय शिवराज सिंह चौहान रात दिन मेहनत करता है, मेहनत का फल तो मिलेगा ही, क्योंकि मेहनत करेंगे तो अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि आज आप सब लोग देख रहे हैं, जहाँ पर भी चुनाव हुए हैं, पंचायतों के, जनपदों के, जिला पंचायतों के, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जीती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारी पूरी, देखो विश्व में बड़ी पार्टी है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि ये पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही, इसलिए ये पार्टी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जी, तो एक मंत्री जिनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, उनके क्षेत्र में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है और लगातार अच्छे नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।